सब्सक्राइब कीजिए नुमान टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नुमान ताहिर और आप देख रहे हैं नुमान टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं जिस प्रोडक्ट की आपसे बात करूँगा दोस्तों वो एक और है हमारे पास स्मार्ट वॉच। अब दोस्तों स्मार्ट वॉच जो है वो आजकल की दुनिया में एक कह लें कि वॉच के साथ एक कह लें कि और भी आपको मज़े मज़े के फीचर्स आपको प्रोवाइड कर देती हैं और इनकी जो कह लें कि ज़रूरियात है वो आजकल के दौर के हिसाब से बढ़ती जा रही है। हर बंदा ही स्मार्ट वॉच को पहनना पसंद करता है और जो ओरिजिनल एप्पल की वॉचेज़ होती है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। तो जो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा दोस्तों ये बिल्कुल ओरिजिनल एप्पल फॉर्म फैक्टर पे ही बनी हुई है। हद तक कि ये इतनी ओरिजिनल है कि इसको जब आप ऑन करते हैं तो इसके अंदर एप्पल लोगो भी आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो बॉक्स है दोस्तों वो भी बिल्कुल आपको एप्पल की जो वॉचेज़ होती है बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस वॉच को करेंगे अनबॉक्स। तो वीडियो के पे अगर आप फर्स्ट टाइम है चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की मेरी जो भी नई मज़े की वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इस वॉच को करते हैं अनबॉक्स। ओके जी दोस्तों, तो कुछ इस तरह का आपको इसका बॉक्स देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि सिंपल सा बॉक्स है। फ्रंट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि वॉच की जो है वो ब्रांडिंग यहाँ पे रखी गई है और वाइट कह लें कि वाइट कलर का बॉक्स है। यहाँ पे इसका कलर मेंशनड है। बैक साइड की अगर आपसे बात करूँ दोस्तों तो बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह जो है वो मेंशन की गई है। बिल्कुल आपको इसका बॉक्स वैसा ही आपको देखने को मिल जाएगा जैसा कि सीरीज 6 का ओरिजिनल बॉक्स होता है। या देख सकते हैं कि सीरीज 6 यहाँ पर जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाता चलूँ। सीरीज 6 एलमिनियम स्पेस एलमिनियम केस 44 mm। यहाँ पर इसका कुछ स्मार्टफोन्स के बारे में लिखा हुआ है मेड इन चाइना। तो बॉक्स की जो क्वालिटी है दोस्तों वो बिल्कुल आपको वैसे ही आपको देखने को मिल रही है जैसे कि बिल्कुल ओरिजिनल बॉक्स होता है। तो बॉक्स का जो ओपनिंग एक्सपीरियंस है दोस्तों वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिल्कुल ओरिजिनल बॉक्स होता है। तो यहाँ से हम दोस्तों इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद आपको ये नीचे कुछ दो इस तरह के आपको एनवेलप आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं अंदर भी इसके अंदर वॉच ही जो है वो बनाई गई है। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये दो एनवेलप आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसे ओरिजिनल वॉच होती है ना दोस्तों बिल्कुल वैसे ही आपको एक्सपीरियंस इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी ये पहला वाला जो एनवेलप है इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, खोल लेते हैं इसको यहाँ से। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको दो तरह के स्ट्रैप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर एक आपको मिल जाता है ये रबड़ वाला स्ट्रैप जैसे होता है, ठीक है, ये जैसे कपड़े का स्ट्रैप्स होता है दोस्तों एक आपको वैसा स्ट्रैप आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों एक आपको जैसे रबड़ का स्ट्रैप होता है सॉफ्ट सिलिकॉन का, एक आपको उस तरह के इसके अंदर स्ट्रैप्स आपको देखने को मिल जाती है। तो दो स्ट्रैप्स है इसके अंदर और मजीद इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं रखी गई। तो स्ट्रैप को कर लेते हैं हम साइड पर। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अपनी वॉच की तरफ। तो वॉच को कर लेते हैं यहाँ से ओपन। वॉच का जो डब्बा है ना वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा सख्त बाहर नहीं आ रहा। ओके जी दोस्तों ये हमने खोल लिया इसको वॉच के डब्बे को। और खोलने के बाद कुछ इस तरह हमें चीज़ें वगैरह देखने को मिलती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HT99 यहाँ पे इसका मॉडल नंबर जो है वो मेंशन किया गया स्मार्ट वॉच और यहाँ पर इसका QR कोड है। अब आप देख सकते हैं कि QDFit नाम की इसकी एप्लीकेशन है, आप वो इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर, उसके बाद आप अपनी वॉच को जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये हमारी आ जाती है वॉच। वॉच को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। वॉच का जो डायल का जो है ना दोस्तों साइज़ और इसका जो आप कह लें कि जो वेट है ना दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा हैवी वेट है, यानी कि लाइट वेट नहीं आप इसको बोल सकते। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ। साफ़ करने के बाद आपको मैं इसको ज़ूम करके ज़रा दिखाता हूँ आपको अच्छे तरीके से, अगर आपको ये ज़ूम कर सके अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक है इसकी, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील है इसका। ये सारा ग्लास बनाया गया है। यहाँ पे आपको एक बटन एक माइक आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर, साथ में एक क्राउन है, क्राउन भी इसका वर्किंग में है। यहाँ पे आप इसके स्टेप्स वगैरह लगा सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों इसके साथ हमें एक अदर चार्जर हमें देखने को मिल जाता है इसके अंदर। चार्जर भी दोस्तों इसका बिल्कुल वैसे ही आपको देखने को मिलता है जैसे कि हमें बिल्कुल ओरिजिनल चार्जर हमें देखने को मिलता है ना एप्पल वॉच सीरीज़ के साथ, तो बिल्कुल दोस्तों वैसे ही आपको चार्जर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमारी वॉच जो है वो मैग्नेटिकली हमारी वॉच जो है वो अटैच हो जाती है और आप इसको अपने एक एम्पेयर का कोई भी चार्जर या लैपटॉप वगैरह के साथ आप इसको प्लग इन करके तो आप इसको इजीली चार्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आ जाता हूँ इसके स्ट्रैप्स की तरफ। तो इसके स्ट्रैप्स आपको मैं लगा के दिखाता हूँ इसके स्ट्रैप्स कैसे जो है वो इंसर्ट होंगे। जैसे एप्पल वॉच के स्ट्रैप्स लगते हैं ना दोस्तों बिल्कुल वैसे ही इसके स्ट्रैप्स इंसर्ट हो जाते हैं अच्छे तरीके के साथ, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती।
फर्स्ट टाइम में आपको उसके स्टेप्स लगाने के लिए ना थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ना थोड़े से हार्ड होते हैं। पहली बार लगाने के लिए ना आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये थोड़े थोड़े से हार्ड होते हैं। लेकिन जब एक बार ये लग जाएंगे तो उसके बाद आपको किसी किस्म का भी बकैले के बार बार निकालने लगाने की आपको जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके स्ट्रैप्स आपको मैं लगा के दिखाता हूँ अभी बाद में। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कर लेते हैं इसको टर्न ऑन। टर्न ऑन करने के लिए यहाँ पे इसका एक बटन है, तो बटन को कर लेते हैं यहाँ से ऑन। इसको मैंने थोड़ा सा जो है वो आप कह लें कि चार्ज मैंने कर लिया था, बैटरी इसकी जो है वो बिल्कुल लो थी। तो आप देख सकते हैं कि इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने में भी इसका बिल्कुल एप्पल लोगो आता है। ये इसकी दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ है कि जब आप इसको ऑन करते हैं उसके अंदर आपको एप्पल लोगो देखने को मिल जाता है, जबकि जो दूसरी वाली चीज़ होती है उसके अंदर जो कंपनी का जो नाम होता है वो ही हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर वेदर वगैरह, हार्ट रेट, BPM और भी काफ़ी चीज़ें, म्यूज़िक कंट्रोल, काफ़ी ज़्यादा इस तरह की दोस्तों हमें चीज़ें वगैरह इसके अंदर देखने को मिल जाती है इस वॉच के अंदर। अगर आपसे दोस्तों इसके मेन्यू की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एप्पल वॉच की तरह ही हमें इसका मेन्यू हमें देखने को मिल जाता है इस वॉच का। और इसका जो टच है ना दोस्तों वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और इसके जो मेन्यू आइकन है वो हमारे बिल्कुल इशारे के ऊपर जो है वो चल रहे हैं, तो किसी किस्म के डिले हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। बाकी जो पुराने जो ओल्ड मॉडल आते थे ना दोस्तों उसके अंदर हमें डिले वगैरह देखने को मिलता था। अब इसकी जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो आपको प्ले स्टोर से इजीली आपको देखने को मिल जाएगी। QD फिट के नाम से इसकी एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि QD फिट नाम के नाम से इसकी एप्लीकेशन है। ये मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, कैमरा मेरा जूम नहीं कर रहा। ये आप देख सकते हैं QD फिट नाम से इसकी एप्लीकेशन है। आप इजीली उससे कनेक्ट करके इसके अंदर आप हर चीज़ को आप इजीली जो है वो देख सकते हैं। इसके अंदर आपको टाइम, डेट, व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह, उसके अलावा जो भी चीज़ें वगैरह आप इसके अंदर करना चाहते हैं, और भी इसके अंदर आप काफ़ी अच्छे अच्छे आपको फ़ीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं मुख्तलिफ तरह के। और उसके अलावा आप मैसेजिंग वगैरह, हर चीज़ वगैरह, फ़ोन वगैरह, हर चीज़ आप दोस्तों इस वॉच से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक चीज़ है, एक यूनिक प्रोडक्ट है। इसका जो क्राउन है दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि क्राउन भी इसका वर्किंग है। आप इसको क्राउन को घुमाते हैं तो हमारे मेन्यू जो है वो जूम आउट हो रहे हैं। उसके अलावा दोबारा आप क्राउन को दबाएंगे तो ये दोबारा यहाँ पे आके तो हमारे जो मेन्यू के जो कह लें कि जो वॉलपेपर्स होते हैं दोस्तों वो चेंज होते जाएंगे। इसके अंदर आप काफ़ी किस्म के आपको वॉलपेपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि सीरीज 6 के अंदर आते हैं। आप देख सकते हैं कि फुल डायल है इसका, किसी किस्म का हमें बेजल्स वगैरह इसके अंदर हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे इस वॉलपेपर में। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फुल डायल है इसका, किसी किस्म के बेजल्स वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहे इसके अंदर। और इसका जो कह लें कि जो LCD का जो कलर्स हैं ना दोस्तों वो बिल्कुल IPS LCD है, बहुत ही प्यारे किस्म के कलर इसके अंदर आपको निकल कर आते हैं। और काफ़ी मज़ीद अच्छे अच्छे काफ़ी सारे फीचर है इसके अंदर। आप इसके अंदर अपने अपने जो कस्टम कह लें कि वॉच फेसेस होते हैं वो भी आप अपने मोबाइल से एप्लीकेशन के थ्रू इसके अंदर लगा सकते हैं, अपनी अपनी तस्वीर वगैरह भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की ये कह लें कि एक वॉच है। इसकी प्राइस की अगर आपसे बात करूँ दोस्तों तो ये आपको 6,500 रुपये की आपको देखने को मिल जाएगी। एप्पल लोगो इसके अंदर आता है तो ये सबसे अच्छी बात है। और मज़ीद दोस्तों इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर है जो एक वॉच से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तकरीबन इसको जैसे वॉच सीरीज 6 आई थी बिल्कुल वैसे ही इसको कॉपी किया गया, वैसे ही इसके फीचर्स वगैरह रखे गए हैं। तो बस दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह ताला अगली आने वाली वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपको दोस्त सलमान ताहिर, अल्लाह हाफिज़।